नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक को उनके एक समर्थक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर बता दिया। आपको बताएं कि भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन और कटनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पीताम्बर तोपनाणी के सामने हुई इस घटना में बीजेपी नेता ताली बजाते हुए दिखे। आपको बताएं कि कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक परशुराम भगवान की प्रतिमा स्थापना के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें एक वक्ता ने अपनी हदें ही पार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूर्व मंत्री को बेहतर बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जनता के खर्चे से मंदिर बनवा रहे हैं, हमारे संजू भैया यानी कि संजय पाठक तो अपने खर्चे से सब काम करवाते हैं। और आत्ममुग्ध विधायक ने एक बार भी उन्हें ऐसा कहने से रोका नहीं। विधायक संजय पाठक वहाँ खुद मौजूद थे और उन्होंने खुद फेसबुक लाइव से इस वीडियो को शेयर भी किया। आपको बताएं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो में आता है कटनी जिला, जिनके चहेते विधायक माने जाते हैं संजय पाठक। पूर्व मंत्री के सामने हुई इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए, वक्ता ने तारीफ के पुल बांधते हुए क्या कह दिया। अतिशयोक्ति मत समझिएगा, प्रधानमंत्री जी से भी बहुत बढ़कर ये आगे कार्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये भारतवर्ष का पैसा लगाकर कोई मूर्ति या कार करा रहे हैं, ये संजू भैया की अपनी देन है। एक नया पैसा उन्होंने इसके लिए किसी से मांगा नहीं। मैं संजू भैया आपको पुनः प्रणाम करता हूँ और आपकी सोच को प्रणाम करता हूँ, अपनी भावी स्त्री को प्रणाम करता हूँ। और भगवान भैया ने चार रंगों के लिए कहा था, मैं दो रंगों में निपटा देता हूं बात, कि सारहीन हर वस्तु है, सारहीन हर वस्तु है, सारहीन संसार, सारहीन हर वस्तु है, सारहीन संसार, सार नाम श्री कृष्ण का, बाकी सब बेकार। बहुत सुंदर, आपने कम से कम हमारी जिद पर पधार गए और एक बड़ी सार्वगर्भित अंतिम लाइनें थी। और संजय के लिए तो जो आपने कहा वो निश्चित रूप से आपके हृदय के नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी के हृदय भाव है। मैं चाहता था संजय